फर्स्ट 13 में इस हफ्ते अपनी फिल्म छपाक को प्रमोट करने दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी ने लक्ष्मी अग्रवाल संग शो में शिरकत की। शो में लक्ष्मी ने कंटेस्टेंट को अपने एसिड अटैक से लेकर जीवन के संघर्षों के बारे में बताया, जिसे सुनकर सभी घर वालों की आंखें नम हो गई। लक्ष्मी ने कंटेस्टेंट के साथ मुंह दिखाई टास्क किया, जिसमें सभी घर वालों को अपनी जिंदगी के कड़वे सच के बारे में बात करनी थी। इस टास्क में शो की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रश्मि देसाई ने भी अपने जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बयां किए। रश्मि देसाई ने बताया कि बचपन में उन्हें लड़की होने पर उनके घर से ही काफी ताने मिलते थे। रश्मि ने कहा कि उनके पैदा होने पर उनकी माँ को लोग काफी सुनाया करते थे, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। रश्मि ने यह भी कहा कि उनके पापा नहीं थे या होकर भी नहीं थे, क्योंकि उनके पापा के साथ उनकी माँ के आपस में कभी बनी नहीं। रश्मि ने कहा कि बचपन में लोग उन्हें मनहूस कहते थे। रश्मि ने यह भी बताया कि उन्हें उस समय लगा था कि लड़की होना एक बहुत बड़ा पाप है। रश्मि ने कहा उस वक्त उन्होंने गलती की थी कि उन्होंने जहर खा लिया था, क्योंकि उस समय उन्हें अपनी वैल्यू नहीं पता थी। उन्हें बस इतना पता था कि वो लड़की है और वो बोझ है। रश्मि ने जहर खाने के कुछ घंटे के बाद अपनी मासी को बताया कि उन्होंने जहर खा लिया है। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रश्मि ने बताया कि उनकी जिंदगी में बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्हें परेशान किया, लेकिन वो कभी नहीं टूटी।